इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। एक शहर भारत की राजधानी है, दूसरा सरहद के उस पार एक राज्य की राजधानी जो भारत के बंटवारे के वक्त पंजाब राज्य से छीन ली गई थी। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इतिहास में दिल्ली और लाहौर का कितना गहरा रिश्ता रहा है। ये कहानी मिथकों, कीवदंतियों और महाकाव्यों से शुरू होती है। वक्त के साथ लाहौर और दिल्ली दोनों शहर प्राचीन सुपर हाईवे से जुड़कर महत्वपूर्ण हो गए थे। ये सुपर हाईवे भारत के मध्य से यानी उत्तरापथ से होकर गुजरता था, लेकिन मध्य युग में खासतौर पर दिल्ली में मामलुक या गुलाम सुल्तानों के आने के बाद लाहौर और दिल्ली का बहुत गहरा और अटूट रिश्ता हो गया था। दुनिया का हर शहर अपने आप में खास होता है, फिर भी कभी कभी जब आप एक शहर से दूसरे में जाते हैं तो आपको बहुत सारी समानताएं नजर आती हैं। ये समानताएं कभी वहां के आर्किटेक्चर और कभी वहां जो जगह हैं उनके नामों में नजर आती हैं, कभी ये वहां के लोगों के व्यवहार और कभी वहां के खान पान में नजर आती हैं। ऐसे ही दो शहर हैं दिल्ली और लाहौर। दोनों शहरों पर मुगलों ने अपनी छाप छोड़ी, लेकिन ये दोनों ही शहर मुगलों से कहीं पुराने हैं। एक का नाता रामायण से जुड़ा हुआ बताया जाता है तो एक का महाभारत से। कहा जाता है कि लाहौर शहर को श्री राम के पुत्र लव के नाम पर बसाया गया था और दिल्ली की शुरुआत होती है इंद्रप्रस्थ से, जिसे श्री कृष्ण पांडवों के लिए कौरवों से लेकर आए थे। खुदाई से पता चला है कि दोनों ही शहर सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी आबाद थे। आगे चलकर जब सम्राट अशोक उत्तरपथ बनवाते हैं तो वो दिल्ली और लाहौर को भी जोड़ देते हैं, और जब मुस्लिम राजा पहली बार भारत का रुख करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा बनाया जाता है और उसकी ताजपोशी लाहौर में ही होती है। वो दिल्ली और लाहौर दोनों शहरों को अपनी राजधानी के रूप में इस्तेमाल करता है, दोनों शहरों में कई इमारतें बनवाता है, और लाहौर में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। लिहाजा भारत में जो पहला मकबरा बना वो लाहौर में ही है, और अगला मकबरा दिल्ली में बनाया जाता है जो कि सुल्तान अल्तमश के बेटे नसीरुद्दीन महमूद का है। गुलाम वंश के बाद खिलजी और तुगलक आ जाते हैं, वो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर रखते हैं, लेकिन लाहौर पर भी कड़ी नजर रखते हैं क्योंकि यहीं से दिल्ली सल्तनत पर हमले होते थे। खुद खिलजी और तुगलक के पूर्वज भी किसी जमाने में इसी रास्ते से भारत आए थे। लोदी और सैयद इसके बाद दिल्ली सल्तनत संभालते हैं और दोनों ही घराने लाहौर से ताल्लुक रखते हैं। खिजर खान जिसने सैयद वंश शुरू किया वो दिल्ली आने से पहले लाहौर और मुल्तान का गवर्नर था। इसके बाद लोधी दौर में लाहौर के ही गवर्नर दौलत खान ने बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता भेजा था। काबुल से भारत आने पर बाबर सबसे पहले लाहौर पर कब्जा करता है और लाहौर को अपने भारत में दाखिल होने का रास्ता बना लेता है। वो दौलत खान जो वहां का गवर्नर था उसे भी लाहौर से भगा देता है और खुद इस जगह को संभालता है। यहाँ बाबर बाग बनवाता है जहां वो और बाद में उसके वंशज ठहरा करते थे, उस जगह को अब भी हम शाहदरा कहते हैं। दिल्ली में भी ऐसा ही एक शाहदरा है। जब पानीपत का युद्ध होता है तो बाबर दिल्ली फतेह कर लेता है, पर इस समय आगरा राजधानी के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी इसलिए बाबर सीधे आगरा की ओर कूच करता है, और बाबर का जनरल शेरशाह सूरी आगे चल के जब अपना सूरी वंश शुरू करता है तो फिर से दिल्ली एक प्रमुख शहर बन जाता है। वो पुराने इंद्रप्रस्थ के इलाके में एक नया शहर बसाता है और किला बनवाता है। इस किले को पहले शेरगढ़ और अब पुराना किला कहते हैं। साथ ही वो लाहौर में भी काफी काम करवाता है और जो सम्राट अशोक का उत्तरपथ था उसे दुरुस्त करवाता है। आज उस सड़क को हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं। ये सड़क आज भी लाहौर और दिल्ली को जोड़े हुए है, और शेरशाह सूरी द्वारा इस सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगाए जाते हैं, सराय बनवाई जाती हैं। लाहौर और दिल्ली में जो कोस मीनारे हैं वो भी शेरशाह सूरी की ही बनवाई हुई है। ऐसा कहा जाता है कि मरने से पहले शेरशाह सूरी ने यह अफसोस जताया था कि उसने लाहौर को पूरी तरह से बर्बाद नहीं किया, क्योंकि अब हुमायूं लाहौर की तरफ ही आ रहा था और बाबर के बेटे मिलकर शेरशाह की रियासत पर हमला कर सकते थे। हुमायूं और उसके भाई एकजुट तो नहीं हो पाए, पर हुमायूं ने लाहौर से ही अपनी फौज पुनः गठित की और दिल्ली की तरफ कूच किया। उसने दिल्ली में अपना राज स्थापित किया और मृत्यु के बाद उसे दिल्ली में ही दफनाया गया।
मुगलों के शासन में लाहौर एक शाही शहर में तब्दील हो गया था। शहंशाह अकबर ने आगरा के करीब फतेहपुर सिकरी को अपनी नई राजधानी बना लिया था, लेकिन उनके समय में ही लाहौर का महत्व भी बढ़ गया था। अकबर के बेटे जहांगीर का भी इस शहर से खास रिश्ता बन गया था। जहांगीर और उनकी बेगम नूरजहां के मकबरे भी यहीं हैं। अकबर के दौर में यहां हुमायूं का मकबरा बनवाया गया और मुगल फौज ने दिल्ली में डेरा डाल लिया। अकबर खुद आगरा चला गया और फिर आगरा के बाद कुछ समय फतेहपुर सीकरी रहा, लेकिन फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने के बाद वो सीधे चला जाता है लाहौर और उसे अपनी राजधानी के रूप में इस्तेमाल करता है। वहां से अकबर और उसके बेटे जहांगीर ने राज किया। जहांगीर और उसकी चहेती बेगम नूरजहां का मकबरा लाहौर में ही है और दिल्ली में भी जहांगीर ने एक किला अपने नाम किया था। दिल्ली का जो किला सलीम शाह सूरी ने बनवाया था, जिसे आज भी हम सलीमगढ़ के नाम से जानते हैं, पर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने कुछ समय के लिए उसका नाम नूरगढ़ कर दिया था। शाहजहां जब बादशाह बनता है तो दिल्ली के इलाके में एक नया शहर बसाता है, साथ ही साथ वो लाहौर शहर और लाहौर किले में भी बहुत काम करवाता है। जैसे लाहौर में दिल्ली वाले रास्ते पर एक दिल्ली दरवाजा है, वैसे ही दिल्ली में लाहौर दरवाजा बनाया जाता है। दिल्ली में शाहजहां जामा मस्जिद बनवाता है तो लाहौर में खूबसूरत वजीर खां मस्जिद, इसके साथ ही दोनों शहरों में शालीमार बाग बनवाए जाते हैं। इनके किलों में दीवाने आम शाहजहां द्वारा ही बनवाए जाते हैं, जो काफी हद तक एक दूसरे जैसे दिखते हैं। दोनों किलों के दरवाजों को औरंगजेब बनवाता है। दिल्ली के लाल किले के इसी लाहौरी दरवाजे से भारत के प्रधानमंत्री हर साल आजादी दिवस पर झंडा फहराते हैं और लाहौर की पहचान उसका वही आलमगीरी दरवाजा पाकिस्तानी परचम के साथ है। लाहौर शहर का सिखों के उत्थान से भी गहरा रिश्ता रहा है। यही वो जगह है जहाँ सिखों ने त्रासदी भी देखी और महाराजा रणजीत सिंह के सत्ता में आने के बाद शानो शौकत भी देखी। लाहौर उनकी राजधानी था। सिखों का भी बहुत गहरा नाता है इन दो शहरों से। 10 में से 2 सिख गुरुओं को शहीद किया गया था। इनमें से पहले थे 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी, जिन्हें जहांगीर ने लाहौर में शहीद किया, और दूसरे थे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें औरंगजेब ने दिल्ली में शहीद किया। सिख राज को स्थापित किया बाबा बंदा सिंह बहादुर ने, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस दिल्ली में ली और सिख मिसलों को एक करके एक बहुत बड़ा खालसा राज बनाया महाराजा रणजीत सिंह ने, जिनके प्राण लाहौर में निकले। कांग्रेस ने 1929 में पहली बार चक्र के साथ भारत का तिरंगा झंडा लाहौर में ही फहराया था। पाकिस्तान बनाने की पहली मांग भी लाहौर में ही 1940 में रखी गई और उस पर आगे की कार्रवाई अंग्रेजों ने दिल्ली में की। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूं जो लाहौर जा चुके हैं। मुझे लाहौर से आए कुछ मुसाफिरों से भी मिलने का मौका मिला है। सभी ने एक ही बात कही है कि दोनों शहरों में कोई फर्क नहीं है। जैसा स्नेह उन्हें सरहद के एक पार मिला, वैसा ही दूसरे पार। दोनों जगहों के खाने में भी बहुत सारी समानताएं हैं। जगहों की बात करें तो लाहौर में संत नगर है, उसके अंदर नेहरू ग्राउंड है, वहां भी कृष्णा नगर और प्रेम नगर जैसी कॉलोनियां हैं। दिल्ली में भी इन्हीं नामों से जगह हैं। दिल्ली में लाहौर कॉलोनी है, लाहौर अपार्टमेंट है, न्यू लाहौर है। दिल्ली का जो आर्ट्स कॉलेज है वो भी लाहौर से ही यहाँ शिफ्ट हुआ था। लाहौर ढाबा, लाहौर बेकरी, लाहौर जनरल स्टोर, ऐसे कितने ही बिजनेस हैं जो दिल्ली में हैं, आसानी से दिख जाते हैं। लाहौर के गुलबर्ग में दिल्ली स्वीट्स मौजूद है जो काफ़ी मशहूर है। ऐसे ही वहाँ दिल्ली के नाम पर और भी कई दुकानें हैं। दिल्ली की नहारी लाहौर में काफ़ी पसंद की जाती है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में काफ़ी पसंद की जाती है। और दिल्ली और लाहौर के बीच सरकारों ने बस सर्विस, ट्रेनें भी चलाई, जहां समझौता एक्सप्रेस एक लंबे अरसे तक मुसाफिरों को एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाती रही। वहीं 1999 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो बस सर्विस शुरू की गई, सदाए सरहद यहां से, दोस्ती बस वहां से चली, वो भी एक लंबे अरसे तक एक बहुत ही कामयाब सर्विस की तरह चली। सन 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और पंजाब भी दो हिस्सों में बंट गया। लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। परिवारों और समुदायों के पुराने रिश्ते भी सरहदों में बंट गए, लेकिन फिर भी आपको दिल्ली और लाहौर के दरमियान गहरे रिश्तों की गूंज आज भी सुनने को मिल जाएगी, गली कूचों में बोली जाने वाली भाषा के रूप में।